फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तब्बू सिंपल रेसिपीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए समर स्पेशल वाटरमेलन आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जस्ट टू इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इस रेसिपी को घर में बना सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं घर में, इस आइसक्रीम को। एंड गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरा न्यू अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे एक वाटरमेलन। एंड वाटरमेलन को हमें इस तरह से कट कर लेना है और इसका हाफ का मैं जूस निकालूंगी। सो हाफ मैंने रख दिया है। इस तरह से हमें स्लाइसेस में काट लेना है वाटरमेलन को। एंड अब हम यहाँ पर लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर। तो ग्राइंडर में हम यहाँ पर वाटरमेलन के सारे पल्प को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने सारे पल्प को निकाल लिया है और अब हम क्या करेंगे, ये पल्प जो है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि आसानी से ग्राइंड हो जाए। देखिए, छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच शुगर ऐड किया है। अगर आपका वाटरमेलन मीठा भी होता है तो भी आप इसमें थोड़ा शुगर ज़रूर ऐड करें, क्योंकि आइसक्रीम थोड़ा मीठा अच्छा लगता है खाने में। सो अब हमें क्या करना है, इसका जूस बना लेना है। ये देखिए, हमारा वाटरमेलन जूस जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम एक ऐसा आइसक्रीम मोल्ड ले लेंगे, आपके पास जैसा हो आप उसी में बना सकते हैं। तो अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से इसे स्ट्रेन कर लेंगे। जूस को स्ट्रेन करके हम मोल्ड में डाल देंगे इस तरह से। मोल्ड में हम आइसक्रीम बनाने के लिए जूस को डाल देंगे और इसे 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर फ्रीजर में रख दिया इसे, और 7 से 8 घंटा के बाद हम इसे निकाल के देखेंगे। सबसे पहले हमें एक बाउल में पानी रख लेना है नॉर्मल टेम्परेचर का। इसमें 30 से 40 सेकंड के लिए इसे डीप करके रखना है। इसके बाद ये आसानी से निकल आएगा आइसक्रीम। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा वाटरमेलन आइसक्रीम जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। सो आप देख सकते हैं कितना इजीली हम घर में वाटरमेलन आइसक्रीम बना सकते हैं। तो आप भी इस समर इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आप लोगों से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।